अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आराम कलिया, तुसी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अज असी गल करांगे सुपर नैपियर दे। सुपर नैपियर ग्रास है जिहड़ी एक बड़ा जबरदस्त चारा है मवेशियों वास्ते, और यह चारा है जिहड़ा फी एकड़ के हिसाब नाल अगर औसत दा हिसाब लाया जाए तो बहुत ज़्यादा औसत हुंदा है। मकई नालों या ज्वार नालों ये बहुत ज़्यादा औसत दे रहे, लेकिन गल हैगी है कि सुपर नैपियर है जिहड़ा ये बड़ा सोहल जिहा चारा है। बरसेम ये जी हाले तक कोहरा बर्दाश्त कर लेंदी है, ज़्यादा सर्दी पैंदी है कोहरा पैंदा है तो ये हाले तक बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन सुपर नैपियर है जिहड़ा ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुसी इस चैनल पर नवे आए जी तो इस चैनल को सबसक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो इसमें लाइक और शेयर कमेंट करना। सुपर नैपियर के अक्सर वाहनों के जाके फार्मा के जाके देखने का मौका मिले है तो महसूस इस तरह होंगे कि जिस तरह किसी ने जान बुझ के स्प्रे कर दिता है जड़ी बूटियों की तरफी वास्ते, इस तरह जिहड़े शगुफा साजी कर रहे सन या एक फुट तक जिहड़े शगुफे निकले हुए सन उन्होंने बिल्कुल साड़ के खुश कर दिता है इस कोहरे ने। गल हैगी कि हुण सानू पठिया की जरूरत हैगी, चारे की जरूरत हैगी, किहड़ियां ऐसियां गल्लां ने जिन्हां ते अमल करके जिम्मेदार है जिहड़ा वो अपना सुपर नैपियर का चारा है जिहड़ा पहले की तरह भरपूर लै सकदा है। सब तो पहले तो गल हैगी है कि खेलां दे विच अगर गैर जरूरी जड़ी बूटियां उगिया हुई ने उन्होंने गोडी करके उन्होंने तरफी की जाए, उस तो बाद जबरदस्त यूरिया एक तोड़ा एक गट्टा है जिहड़ा फी एकड़ के हिसाब नाल पानी दे विच फ्लड कर देना चाहिए और भर के पानी लाना चाहिए। उसकी वजह होगी कि अक्सर देखा जाता है कि खेलों के सिर के उत्ते जिहड़ा इसकी कलम लाई जाती है, अगर तुसी पानी नीचा रखोगे थले वाली साइड रखोगे तो जिहड़ा पानी है पूरी खाद अपना असर नहीं विखाएगी। अगर तुम खेल के बराबर तक भी पानी कर दोगे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। इस वास्ते चाहिए है कि सुपर नैपियर में जड़ी बूटिया की तलफी करने तो बाद जबरदस्त यूरी का एक तोड़ा फी एक के हिसाब न पानी के फ्लड कर देना चाहिए। अगर फ्लड नहीं कर सकते तो छट्टा भी कर सकते, इस दे नाल ये होएगा कि जी जबरदस्त यूरी है ये जिस वक्त तुम दोगे पानी दोगे, हूँ वैसे भी सर्दी इतनी नहीं रहेगी, हुण गर्मी का स्टार्ट हो चुका है, ये सुपर नैपियर फौरन बहाली च आ जाएगा, शगुफा साजी शुरू कर देगा और तकरीबन 2 महीनों के सुपर नैपियर तो अपनी पहली कटाई शुरू कर सकते। लेकिन गल भी है कि कई दफा कई जगह जाके देखा गया है कि जो सुपर नैपियर के पत्ते ने इन्हों कई जगह पर सुंडी का हमला हो चुके, इस वास्ते कोई भी हल्का फुल्का स्प्रे एमामेक्टर कर सकते हो या इस तरह की कोई क्लोरोपाइरीफास स्प्रे कर सकते हो, एक हल्का जहा स्प्रे 50 डोज पा के तुसी स्प्रे कर सकते हो, फी एकड़ के हिसाब से 1 लीटर काफ़ी होंगे। उम्मीद करना कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसमें लाइक शेयर और कमेंट।